हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। बिटकॉइन में भी हमने जो है ऑलमोस्ट 35-40% का जो है वो डिप देखा। ऑल्ट कॉइन्स तो बिल्कुल जो है वो क्रैश हो गए थे। अभी मार्केट जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, तो हम लोग वही बात करेंगे कि क्या ये और नीचे जा सकता है मार्केट, या फिर फाइनली हम लोग जो है वो मार्केट का बॉटम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वो ऑल्ट कॉइन्स की जो बहुत ही स्ट्रांग है और वापस से फटाफट रिकवर कर रहे हैं। और लास्ट में आज हम लोग बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक्चुअली हमारे एक फॉलोअर है जो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या और उसमें पैसा क्यों लगाया जाए, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉइन मार्केट कैप से। तो अगर आप देखेंगे जो टोटल मार्केट कैप है वो आज 19% नीचे है। कल हम लोग 2 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर थे, आज हम लोग 1.66 ट्रिलियन डॉलर्स के पास है। और अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो हम लोगों ने, आई डोंट नो, ये शायद कॉइन बेस में या कॉइन मार्केट कैप में कुछ तो ये बग है। एक्चुअली इतना क्रैश नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमने पहला लोअर लो बनाया है। तो अगर मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो टोटल मार्केट कैप, हाँ, टोटल मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो हम लोग जो है, हमारा ट्रेंड एकदम क्लियर था। और आप देखिए आज, या फिर ये अभी वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो 2 वीक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है वो 50% का जो है क्रैश दिया है अपने टॉप से। तो ये बहुत ही बुरा है। और क्यों ये क्रैश आया, अभी ये एलॉन की गलती नहीं है या फिर ये चाइना के वो बैन की वजह से नहीं हुआ है, ये सब हुआ है इसकी वजह से। आप देखिए कितने लेवरेज ट्रेडर्स हैं जिनको व्हील्स ने लिक्विडेट किया। 3.18 बिलियन डॉलर्स जो है वो आज लिक्विडेट हुआ है। लोगों ने ये पैसा गवा दिया है और ये इन्हीं की वजह से जो है ऐसा डिप आया है। व्हील्स ने ये मौका उठाया कि एलॉन ये बात कर रहा है या चाइना का ये न्यूज आ रहा है, और फुल प्लानिंग के साथ उन्होंने बिटकॉइन को शॉर्ट किया और इतने जो लॉन्ग्स थे आज लिक्विडेट हुए। तो लोग अब जो है वो जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं। अगर तो आप 5 या 10 साल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, तब आपको जो है वो 2% या 4% के लेवरेज से ट्रेडिंग करना चाहिए। बट अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं हैं तो क्विक प्रॉफिट के लिए कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग्स नहीं करना चाहिए। अब उसकी वजह से देखें, उनको तो लॉस हुआ। और जब पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगाए थे वो सब के सब क्लोज हुए। अगर तो आप लॉन्ग टर्म है, बिटकॉइन में, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर ट्रेड में हैं तो वो सेंस बनता है। बट आप देखिए उसकी वजह से मार्केट जो है आज किस हद तक क्रैश। अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट देखता हूँ, तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो अभी 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग, 34 मूविंग एवरेज, हमने वो सब तोड़ दिया है। अभी ये जो है ये 50 मूविंग, 100 मूविंग एवरेज है। तो आज हमने जो है वो 100 मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज के भी नीचे हम लोगों ने जो है वो एक डिप दिया। आप देखिए ऑलमोस्ट जो है वो 29,000 डॉलर्स को हम लोग टच करके आए हैं। तो अगर मैं एक दिन का आज का बिटकॉइन का क्रैश देखता हूँ, तो आप देखिए आज सुबह से स्टार्ट करके हम लोगों ने जो है वो 30% का जो है वो डिप दिया था। और अभी के टाइम पे ये अगर आप विक देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है वो 29% फिर से रिकवर हो भी गया है। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि वेल्स का काम था लिक्विडेट करना और लोगों ने वापस जो है उसे बाय करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ ऊपर शॉर्ट किया था 42,000 या फिर 45,000 पे, तो उनको तो वापस 30,000 डॉलर्स में बिटकॉइन मिल गया। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक न्यूज और था जो मुझे आपको दिखाना था। ये देखिए, जस्टिन सन ने आज 150 मिलियन डॉलर्स का बिटकॉइन जो है वो बाय किया है। तो जो बड़े वेल्स है वो सब स्मार्ट पीपल जो है वो इन्हीं क्रैशेस का वेट करते हैं ताकि वो बाय कर सके। हम लोगों को भी जो है ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जो मोमेंट है ये डरने का नहीं है।
अगर आपने आज पैनिक सेल किया है तो आपने वो सबसे बड़ी गलती आज में की है। और ये क्रैश क्यों आया कि जितने भी न्यूबीज थे जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में थे, अगर आप देखेंगे तो मैं लास्ट के अगर टॉप प्रोजेक्ट्स देखूं जो ऊपर गए थे, अभी तो फिलहाल काफी कम हो गए, नहीं तो आप देखते शिब कॉइन, स्कैम कॉइन और पता नहीं कौन कौन से कचरा पट्टी कॉइन, सबके सब कॉइन्स जो है वो 2-2000% ऊपर जा रहे थे, राइट, जिनके कोई फंडामेंटल्स नहीं थे। तो मार्केट को एक वॉश की जरूरत थी और यही वो वॉश था जो चाहिए। और अब देखिए, अगर आप फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे तो हम लोग जो है आज तो बहुत ही अच्छा खासा जो है वो डिप होना चाहिए इसमें, हम लोग 23 पे है अभी, ये कल जब अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम बहुत नीचे होने वाले हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स में, ये एक घंटे में हो जाएगा चेंज, तो आप डेफिनेटली ये चेक कर लो। और ये टाइम होता है दोस्तों बाय करने का, ये बेचने का नहीं है, और आपको हमेशा जो है इन बड़े लोगों की तरह अपना कैपिटल जो है वो साइड पे रखना चाहिए ताकि आप उसे ऐसे डिप्स में यूज कर सके। आपका पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो में हमेशा 30-40 या 50% एटलीस्ट यूएसडीटी या कैश रहना चाहिए हमेशा, ओके? तो ये भी जो स्ट्रेटजी है आपको हमेशा से फॉलो कर, को आगे फॉलो करनी चाहिए, ओके? और ये नहीं, अगर आप हेज फंड्स भी देखेंगे उन्होंने भी जो आज का डिप है वो बाय किया। आप देखिए $30,000 पे जो वो आया था, आप यहाँ देखिए वेडनेसडे मॉर्निंग एट $30,000 to $40,000, तो लोगों ने $30,000 पे बाय किया जाके उसे बिटकॉइन को, और $40,000 एक दिन में $10,000 का फायदा उनको हुआ, राइट? तो इसीलिए आप भी जो है ऐसे डिप्स का वेट किया करिए बाय करने के लिए, कभी भी फोमो इन नहीं करना चाहिए, ओके? और अगेन जैसा हमने पहले भी बात किया, ये डरने की जरूरत नहीं है, ये क्रैश सिर्फ इन न्यूबीज को लिक्विडेट करने के लिए था, जो होल्डर्स है वो उनको रिवॉर्ड्स डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और अब अगर आप इनकी भी बात देखें तो एलॉन बोल रहे हैं कि टेस्ला हैज डायमंड हैंड्स पुशिंग बिटकॉइन शार्पली हायर, तो अब ये वापस से जो है वो बिटकॉइन के पीछे है और ये बोल रहे हैं कि ये वापस बिटकॉइन को ऊपर पुश करने वाले हैं। देखिए क्या होता है क्या नहीं, बट लेकिन इनके ट्वीट के बाद वापस से जो है वो 6% का जो है हमने रैली फिर से देखा, ओके? तो बिटकॉइन जो है वो अभी काफी नीचे है, वेक अच्छा खासा आया भी था, तो जिन्होंने बाय किया है उन्होंने तो एक ही दिन में 10-20% का प्रॉफिट बना लिया है, बट जिन लोगों ने बेचा है वो फिर से ग्रीन डे वाले दिन घुसेंगे और उनका पैसा लूज होगा। सो मेक श्योर यू लर्न आउट ऑफ दिस, ओके? तो चलिए अभी इसके बाद बात करते हैं इथेरियम की। तो जब बिटकॉइन क्रैश हुआ है तो इथेरियम को भी क्रैश करना ही था, और आप देखिए ऑलमोस्ट $1,800 जो उसका प्रीवियस हाई था, जो हमें ब्रेक करने में मुश्किल हो रही थी, एग्जैक्ट वहां जाके वापस से उसने जो है रिवर्सल वहां से लिया है, ओके? तो ये तो ट्रेड कल का जो है वो स्टॉप लॉस वहीं का हिट हो गया, बट आप देखिए जबरदस्त, मतलब क्रिप्टो करेंसी में आपको हमेशा मौका मिलता है बाय करने का, तो इसलिए कभी भी जो है हमें फोमो इन नहीं करना चाहिए, ओके? तो अभी ये भी वैसा ही है, अभी बिटकॉइन जो है वो डेफिनेटली उसको कंसोलिडेशन के लिए कुछ दिन चाहिए, 1 या 2 या 3-4 दिन या 1 हफ्ता भी, तो वो कंसोलिडेट करेगा और फिर वापस से ये जो कॉइन्स है अपना ऊपर की तरफ निकल जाएंगे, ओके? तो कौन से वो अच्छे कॉइन्स है जो अभी हमें बाय करने चाहिए यहाँ पे, तो आप देखिए हम इसे जो है मार्केट कैप से सॉर्ट करते हैं वापस, ओके? तो बिटकॉइन तो बहुत अच्छा खासा डिप आया था बट वो फिर से रिकवर कर गया है, बट इथेरियम अभी भी नीचे है और ये जो टोकन है आपको इससे अच्छे दाम पे नहीं मिल सकता। $2,000 के पास तो डेफिनेटली एकदम बेस्ट प्राइस था, बट अभी भी आप चाहे तो डॉलर कॉस्ट एवरेज यहाँ से कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। BNB 700 से 368, 50% सेल में ये टोकन मिल रहा है कार्डानो, कि मैंने कल भी बोला था कि हमें $2 पे बेचना चाहिए, $2.25 पे, और प्रॉफिट्स लेने चाहिए, मैंने लिए और वापस आज $1.5 पे फिर से बाय किया, और विच इज गुड फॉर मी, राइट? अब डॉज ये भी जो है 27% नीचे है, अभी एलॉन फिर से इसके बारे में ट्वीट करके इसको पंप कर सकते हैं, सो मेक श्योर कि ये कॉइन भी आप ले। XRP जिसमें अभी तक रैली शुरू नहीं हुई है, पोलका डॉट बहुत ही अच्छा कॉइन है, इंटरनेट कंप्यूटर
अभी इनके बारे में भी मैं पढ़ रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ये डिजर्व करता है वापस से 200 250 300 डॉलर्स तक जाने का। तो ये भी आपको बहुत अच्छे खासे ऑफ पे मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो 60% अपने ओपन प्राइस से नीचे है, तो ये इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अगेन अब जो है प्राइस एकदम नीचे है, तो ये टाइम है जब आप अपने कैपिटल को यूज करें। ओके, अभी डरने की जरूरत नहीं है। लाइटकॉइन ये होना चाहिए, चेन लिंक 28 डॉलर्स, सलिम, मैटिक। मैटिक आप देखिए, कल ही मैं बोल रहा था कि हमें वेट करना चाहिए थोड़े क्रैश का, और उसके बाद हम बात करेंगे इसे बाय करने की। और मैंने कल आपको बोला था कि ये 1.59 डॉलर्स तक हम इसे बाय करेंगे, बट आज तो बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था, 1 डॉलर तक ये गया था। बट अगेन अभी हमारा बाय जो था वो 1.44 पे था, तो हमें वापस वहां पे ये कॉइन मिल गया। ओके, तो विच इज गुड कॉइन। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो शायद ही आपको एक और मौका मौका दे उसी 1.47 पे आपको बाय करने का, तो वहां इसको जरूर बाय करें। सोलाना ये भी अच्छा खासा, अभी आप 33 37 इज स्टिल गुड प्राइस, मतलब यहाँ आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, स्टिल इसमें फुल इन ना करें, क्योंकि ये 50 से 38 डॉलर पे है, तो ज्यादा नीचे ये नहीं आया है कॉइन। इथेरियम क्लासिक आज इसे बाय करना चाहिए। तो जो भी लोग सब सोच रहे थे कि इथेरियम क्लासिक बहुत बढ़ गया है, कैसे खरीदे क्या करें, हमने प्रॉफिट्स ले लिए हैं, आज वो टाइम है अपने प्रॉफिट्स को यूज करने का। वी चेन ये बेस्ट कॉइन निकलेगा आप देखना इस बुल रन में, तो डेफिनेटली ये आपके पास रहना चाहिए। थेटा बहुत ही जबरदस्त। ओके, और यहाँ से दोस्तों ये जो कॉइन्स आप देखे टॉप 25 में, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स है, ईओएस और एवे तक। तो जिन भी कॉइन जो भी कॉइन्स आपको लास्ट 7 डेज में 40% से नीचे मिल रहे हैं, वो कॉइन्स डेफिनेटली आपको बाय करने चाहिए और उनको होल्ड करना चाहिए आने वाले 1 2 महीने में। आप ये डिप ये सब भूल जाएंगे, अभी किसी को भी याद नहीं है कि 3,000 डॉलर्स पे भी बिटकॉइन गया था, राइट? वैसे ही कुछ महीनों में किसी को भी याद नहीं रहेगा कि 30,000 डॉलर्स पे भी बिटकॉइन गया था। ओके, और बहुत से लोग हैं जो इस पे विश्वास करते हैं और इसे बाय कर रहे हैं, तो अगर आप भी इस पे विश्वास करते हैं तो प्लीज इसे बाय करें। ओके, तो अब जो आज का लास्ट सेक्शन है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों आपको इसमें पैसा डालना चाहिए। ओके, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हम लोगों को अगर कुछ भी खरीदना है इस दुनिया में तो आपको पैसा यूज करना पड़ता है, राइट? लेकिन पैसा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अभी जैसे आपने यूएस में देखा, इन लोगों ने क्या किया, पैसे प्रिंट किए, करते गए करते गए करते गए और लोगों में बांटते गए। ओके, अभी उसका नुकसान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास आपका एक घर है, उसकी कीमत थी 10,000 डॉलर्स। ओके, अब क्या हुआ, जब इन लोगों ने पैसा और प्रिंट किया तो मार्केट में मनी जो है वो और आ गया। ओके, तो अब आपके घर की कीमत मान लीजिए शायद 20,000 डॉलर्स हो जाएगी, लेकिन आपके पैसे की जो वैल्यू है, आपके घर की वैल्यू जरूर बढ़ी, लेकिन आपके बैंक में जो पैसा है, मान लीजिए आपके बैंक में भी 10,000 डॉलर्स था और आपको कल एक घर खरीदना था, लेकिन इनके पैसा प्रिंट करने की वजह से उस घर की कीमत जो है वो 20,000 डॉलर्स हो गई, तो आपके पैसे की वैल्यू जो है वो आधी ही रह गई, राइट? आपने अपने पैसे साथ कुछ नहीं किया, आपने तो अपने पैसे तिजोरी में रखे थे कल घर खरीदने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट करके उसकी वैल्यू आधी कर दी। तो इसी को हम लोग जो है वो इन्फ्लेशन बोलते हैं, और इसी से डील करने के लिए सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया। ओके, अब बिटकॉइन जो है उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो सिर्फ 18 मिलियन ही है, तो इससे ज्यादा बिटकॉइन इस दुनिया में नहीं हो सकते। तो मतलब आपके बिटकॉइन की वैल्यू कभी भी गिरेगी नहीं, बल्कि डिमांड बढ़ने पे उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो अब ये इन्फ्लेशन को खत्म करता है, फिर इसी को हम लोगों ने एसेट भी बोला। अभी एसेट का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप देखेंगे गोल्ड का दाम इतना क्यों है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं वो महंगी चीज है, लेकिन कोई और है जो विश्वास करता है शायद वो थोड़ा और महंगा होना चाहिए, तो आपको थोड़ा और पैसा देता है, लेकिन आप देखें तो उसके कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, राइट? वो उसे आप ज्वेलरी बनाते हैं, और वो भी क्यों, क्योंकि लोगों को लगता है वो एक महंगा ऑब्जेक्ट है तो उसकी ज्वेलरी बना के पहननी चाहिए, राइट? लेकिन आप देखिए तो बेसिकली उसके कोई फंडामेंटल्स नहीं है, सिर्फ आप विश्वास करते हैं कि वो महंगा है इसीलिए वो महंगा है। वैसे ही बिटकॉइन भी है, अब बिटकॉइन भी एक एसेट है, लेकिन ये लिमिटेड एसेट है, इसीलिए
गोल्ड हजारों सालों में 11 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक गया और बिटकॉइन सिर्फ 10 ही साल में 1 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप को टच करा है, क्योंकि लोगों को इसके ऊपर विश्वास है। और ये तो हुई बिटकॉइन की बात, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे क्रिप्टो करेंसीज है और हर एक का आप देखिए अलग अलग मोटिव है। इथीरियम का क्या काम है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर बना एक प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है ताकि आप और प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सके ब्लॉकचेन के ऊपर, और उनके कंपनी के जो शेयर्स है उसको हम ईथ टोकन बोलते हैं और उसका वैल्यू है ये। ओके, यूएसडीटी एक स्टेबल टोकन है जो हमेशा $1 के बराबर ही रहने वाला है, राइट। और ये खरीद के ये आपको उनका कुछ एपीआर रहता है कि आप हमारा यूएसडीटी बाय करें तो हम आपको साल का 6% या 7% देंगे, जैसे आपको एफडी देता है। तो ऐसे ही हर कॉइन का जो है एक फंडामेंटल्स है, अगर आपको वो समझना है तो आप डेफिनेटली उस कॉइन को क्लिक करें और आप यहाँ नीचे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो कॉइन क्या है और वो कॉइन क्या करता है। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।